नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ताजा खबर, पीतांबर कोहली का खून हो गया। अरे क्या हुआ भाई? ताजा खबर, पीतांबर कोहली का खून हो गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पीतांबर कोहली का खून हो गया। आज की ताजा खबर, पीतांबर कोहली का खून हो गया। कोई शॉर्टकट कैमरा क्या? जन्म के बाद सिर्फ एक ही चीज निश्चित है, वो है मृत्यु। इस पापी संसार से कभी ना कभी हम सबको जाना है एक दिन। अब तुम बड़े हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। हिम्मत से काम लो, धीरज से काम लो। कोहली परिवार के शुभ चिंतक होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। पीतांबर कोहली की चिता की आग शाम तक ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो आग तुमने तुम्हारे दिल में लगाई है दुश्मनी की, सब कुछ जलाकर खाक कर देगी, भस्म कर देगी। समझौता कर लो अपने दुश्मनों से, कर लो। मैं कराऊंगा, कर लो। नहीं स्वामी जी, नहीं। ये आग तो अब तभी बुझेगी जब मेरे पिता समान भाई के कातिलों की चिता जलेगी। स्वामी जी, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूं। अपने भाई से कहो समझौता कर ले, कर लो समझौता। भाभी माँ, बस करो भाभी माँ, बस कर। अब मैं तुम्हें यार रहने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ, इस घर से दूर, इस शहर से दूर, यहां से बहुत दूर कहीं चले जाएंगे हम सब लोग, जहां दहशत का राज ना हो, जहां बिना खौफ के एक आजाद जिंदगी जी सके हम सब। चलो भाभी माँ, मेरे साथ चलो। बेटा, तू मुझे मेरे पति का घर छोड़ने के लिए कह रहा? पागल, औरत कब अपने पति का घर छोड़ती है, जब उसकी आरती निकलती है। नहीं भाभी मां, नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। बारूद के ढेर में आग लग चुकी है, अब यहां पहले से भी ज्यादा गोलियां चलेंगी, पहले से भी ज्यादा खून बहेगा, और हर गुजरने वाले वक्त के साथ तुम्हारे दिल का घाव बढ़ता चला जाएगा। अभी जुल्म की हुकूमत में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा भाभी मां, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, दम घुट जाएगा तुम्हारा। देखो भाभी मां, यशवंत भैया तो नहीं मानेंगे, तुम मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, मेरे लिए यहां से कहीं भी जाना नामुमकिन है, पर तुम यहां से चले जाओ। भाभी मां? हाँ प्रताप, पिछले 20 वर्षों से मैं इस परिवार के सर पर मौत की लटकती हुई तलवार देख रही हूँ। भगवान के चरणों में माथा टेक कर
रक्षा की भीख मांगते मांगते मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, फिर भी मैं अपने सुहाग को नहीं बचा सकी। मैंने बहुत कुछ सहा प्रताप, और भी बहुत कुछ सह सकती हूँ, मगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तू यहां से चला जा, मेरे लिए चला जा। बड़े भैया तो चले गए, मगर वो कुर्सी अब भी मौजूद है जिस पर वो बैठा करते थे, और आज उस कुर्सी पर यशवंत भैया बैठ गए हैं। यशवंत भैया के गुस्से को तो भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने कहा है कि वो खून की नदियां बहा देंगे, तो देखना, खून की नदियां जरूर बहेंगी। मैंने अपनी जिंदगी की हर उलझन का फैसला एक मिनट में किया, एक मिनट में, मगर आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं बौखला गया हूं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इतना बेबस मैंने पहले अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। पता नहीं आने वाला कौन सा पल, कौन सा तूफान लाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बाकी क्या, अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, चार गोलियां लगी हैं। एक्सक्यूज मी, घबराओ मत प्रताप, शहर के सारे बड़े डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, और दिल्ली से डॉक्टर गर्ग भी आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो यशवंत भैया को कुछ नहीं होगा। भैया कहाँ? वो अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आए। भाभी यहाँ चलिए। निगरानी के लिए कोई भी नहीं है। क्या प्रताप, ये दुश्मनों की कोई बहुत बड़ी चाल लगती है। हाँ। हम लोग पहुंच रहे हैं, तुम वहीं रुकना। हाँ। सिस्टर यस सर, यशवंत कोहली को फौरन दूसरे रूम में शिफ्ट कीजिए। लेकिन सर, बहसबाजी मत कीजिए,
आप जानते हैं वो कौन है? I know, sir. उनकी जान को खतरा है ना, come on. सुनो, हमारे सारे ठिकानों के साथ साथ तुम गावकर साहब के बंगले पर भी आदमी भेज दो। हमारी कुसुम है ना वहां, तुमसे जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो, उसकी हिफाजत भी जरूरी है वहां। इडियट अंकल, कुसुम की जान भी खतरे में है क्या? नहीं बेटे, खतरा तो नहीं है लेकिन एहतियात जरूरी है। देखो प्रताप, अंडरवर्ल्ड के अपने कुछ उसूल होते हैं। यहां औरतों को, बच्चों को और परिवार के लोगों को कारोबार से दूर रखा जाता है, लेकिन आज पहली बार इस जंग में एक औरत जख्मी हुई है। और वो औरत मेरी माँ है, मेरी भाभी माँ है। अंकल, वो लोग जो चाहते हैं कर दीजिए, मगर इस खून खराबे को रोकिए। आप उनसे कहिए कि वो जो चाहते हैं हम करने के लिए तैयार है, उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, मगर इस जंग को रोके वो। बेटे, हो सकता है कि तुम्हें मेरा मशवरा बुरा लगे, लेकिन इस जंग को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें कोहली परिवार पर लगे हुए उन जख्मों को भुलाना होगा। अपने परिवार के लिए और उनकी भलाई के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं उनसे हर कीमत पर मिलना चाहता हूं। बस तुम जाओगे वहां? अपने खानदान को बर्बादी से बचाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? ठीक है, तुम जाओगे तो यह मसला आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि प्रताप तुम हमारे होते हुए भी हम में से नहीं हो। तुम यहां पर समझौता करने आए हो, और सबसे पहले यह बात जान लो कि पीतांबर कोहली से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। हां, वो एक काफी पुराने ख्यालात के आदमी थे, और आजकल जमाना बदल गया है। प्रताप, इस ड्रग्स के बिजनेस में इतना पैसा है कि आजकल यह धंधा रोकना इंपॉसिबल हो गया। देखो ना, अगर आज यह धंधा हमने नहीं किया तो कल कोई और कर लेगा, है ना? और चंद महीनों में उसकी ताकत हमारे से डबल ट्रिपल हो जाएगी। देखिए, जो होना था सो हो गया। मैं यहां पर पुरानी कहानी सुनने नहीं आया हूं, मैं समझौता करने आया हूं। मुझे आप लोग सिर्फ ये बताइए कि आप लोगों को चाहिए क्या? वही जो पहले चाहिए थी, पुलिस से अपने आदमियों की हिफाजत और अपना माल उतारने के लिए महफूज जगह, और आखिरी मदद, फाइनेंस।
1 करोड़। मगर मुझसे तो कहा गया था कि आप लोगों ने सिर्फ 50 लाख मांगे। अब हमारी जरूरतें कुछ बढ़ गई है प्रताप। और फिर कोहली फैमिली के लिए 1 करोड़ या 50 लाख क्या फर्क पड़ता है? प्रताप तुम ही सोचो, 6 महीने में हम तुम लोगों को इसका 3 गुना कमा कर भी तो दे रहे ना। कुछ ही महीनों में इस शहर पर हमारा राज हो जाएगा प्रताप। हम जानते हैं कि तुम एक समझदार और शरीफ आदमी हो। हमारी ऑफर ठुकरा कर जो गलती पीताम्बर कोहली ने की थी वो तुम नहीं करोगे। हाँ, जो सौदा पीताम्बर कोहली ने नहीं किया था वो प्रताप कोहली जरूर करेगा, लेकिन अपने भाई के कातिलों के साथ नहीं। तस्वीरें आज 5 बजे तक चाहिए। आज शाम के 5 बजे तक? थैंक यू। मौत कल रात 12:30 के अंदर हुई। जख्म देखकर यह पता चलता है कि 0.3A या 0.45 वाले पिस्तौल से हुई। बाकी लैब रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगा सर। थैंक यू डॉक्टर। ऑल राइट। पहले पीताम्बर कोहली का कत्ल, फिर यशवंत और मिसेस पीताम्बर कोहली को जान से मारने की कोशिश, और उसके बावजूद पीताम्बर के लोगों का पुलिस में बयान देना कि वो हमलावरों को नहीं जानते। वो जानते थे sir? अच्छी तरह जानते थे कि हमलावर टॉनी और पुरुषोत्तम हैं। सर आप ये कहना चाहते हैं कि पीताम्बर कोहली का खून इन दोनों ने किया था? यस। आई डोंट एग्री सर। क्यों? क्योंकि सर पीताम्बर कोहली की मौत का बदला लेने लायक उस खानदान में अब कोई नहीं बचा। यशवंत कोहली अस्पताल में बेहोश पड़ा है और उसके आदमी उसके ऑर्डर के बिना इस समय ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे सर। तुम भूल कर रहे हो इंस्पेक्टर, उस खानदान का एक आदमी अभी अभी इस शहर में आया है, प्रताप कोहली। न तो वो किसी अस्पताल में है न ही बेहोश है। उस पर शक मत कीजिएगा सर, मैंने पीताम्बर कोहली की फाइल पढ़ी है और प्रताप को पर्सनली जानता हूं। वो ऐसा नहीं कर सकता सर। बहुत नाराज हो और शायद जिंदगी में कभी माफ भी ना करो। मत करना माफ प्रताप। तुम्हारे भैया जब भी सुबह घर से निकलते थे मुझे नहीं मालूम होता था कि वो शाम को लौट आएंगे या नहीं, मगर अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि तुम्हें भी मैं उसी रास्ते पर चलता देखूं। हिम्मत नहीं है प्रताप। ठीक है बबी माँ, ठीक है, तुम यही रहो, बहुत सहा है तुमने, आखिर तुम्हें भी सुकून की जिंदगी जीने का हक है। और कब तक दूसरों के लिए मरती रहोगी? कब तक किस्मत से लड़कर आज तक कौन जीता है? तुम्हें कोई भी जरूरत हो मैं हूं, वहां की फिक्र मत करना। जरा ये तो सोचो मैं कितनी बार इस घर के चक्कर लगा चुकी हूं,
मगर पिछले एक महीने से मुझे लगातार एक ही जवाब मिल रहा है कि प्रताप अभी तक नहीं लौटा। आखिर कब लौटेगा वो? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान? मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे प्रताप से मिलने नहीं देना चाहते, और मैं ये भी जानती हूँ कि प्रताप कहीं नहीं गया है, वो यहीं है बॉम्बे में। एक औरत होते हुए तुम तो मेरी मजबूरी को समझो, मेरा प्रताप से मिलना बहुत जरूरी है। एक बार प्लीज, एक बार मुझे उससे मिलवा दो। एक बात कहूं किरण, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम प्रताप को भूल जाओ। सिर्फ इतना ही बता दीजिए, ये अल्फाज आपके हैं या प्रताप के? बहुत सी बातें कहने की नहीं होती किरण, समझने की होती है। आप सबों को इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और खासकर स्वामी जी आपको। अगर आप बीच में नहीं आते तो इस तरह हम लोग आपस में बैठकर कभी सुलह सफाई की बात कर ही नहीं पाते। नहीं करूंगा मैं कोई बात, नहीं करनी मुझे आप लोगों के साथ सुलह सफाई की बात। माफ कीजिएगा स्वामी जी, आपने मुझे समझाया और मैं यहाँ चला आया, लेकिन इसे देखकर तो नहीं, नहीं करना मुझे अपने बेटे के खूनी के साथ समझौता, नहीं करना है मुझे। अगर ये खूनी है तो आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। मत भूलिए कि आपने भी इनके भाई का खून बहाया है। नो, उस खून का बात नहीं करने का, वो दुश्मनी नहीं था, बिजनेस था। क्या? अगर वो बिजनेस था तो यशवंत और भाभी माँ पर हमला वो क्या था? क्या वो दुश्मनी नहीं थी? हाँ ये तो सत्य है। मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि आज तक बिजनेस में किसी औरत पर गोली चलाई गई है क्या? स्वामी जी वो गोली गलती से चल गई थी, हम अपनी गलती मानते हैं। हाँ स्वामी जी, लेकिन जो कुछ हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई भी आदमी पुरानी बात नहीं निकालेगा। अगर तुम्हारा बेटा मरा है तो प्रताप का भाई भी मरा है, बात तो बराबर ही हो गई ना? अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो दुर्गंधी सूंघने को मिलेगी। लेकिन स्वामी जी आप लोग यहाँ पर सुलह करने के लिए आए या लड़ाई करने के लिए? अगर किसी की बात सुननी नहीं थी तो यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी? क्रोध उचित नहीं, क्रोध उचित नहीं है। मनुष्य अगर क्रोधित हो जाए तो उसे 10 तक गिनना चाहिए, 10 तक। तुम 100 तक गिनो, तुम अत्यंत क्रोधित हो, गिनो। प्रताप, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम लोगों की कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं, ये सब बिजनेस की वजह से हुआ है। अगर कुछ गलती इन लोगों की है तो कुछ गलती तुम्हारे भाई की भी थी। ताकतवर होने का ये मतलब तो नहीं कि हम किसी की आजादी पर पाबंदी लगा दें। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आखिर डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है, हा? तांडिया, ये तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की मदद के बगैर आप लोगों का कारोबार करना नामुमकिन है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, एक दूसरे का खून बहाना या बिजनेस करना? स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात, प्रताप हाथ मिलाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ स्वामी जी। हाँ हाँ जरूर। मैं ये समझौता सुकून और शांति के लिए कर रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई यशवंत कोहली अस्पताल में पड़ा हुआ है, और मेरी भाभी माँ अभी अभी अस्पताल से घर लौटी है। अगर मेरे घर में या अस्पताल में मेरे खानदान के या मेरे किसी भी आदमी को कुछ भी हुआ, अगर उन्हें कांटा भी चुभा या वो किसी कार एक्सीडेंट में मारे गए, किसी तूफान आंधी जलजला या किसी भी वजह से उन्हें कोई भी नुकसान हुआ, तो मैं यहां पर मौजूद हर शख्स पे इस बात का जिम्मेदार समझूंगा, और उसके बाद कोई सुलह सफाई नहीं, कोई समझौता नहीं होगा।
जंग होगी, कभी ना खत्म होने वाली जंग। टंडे साहब, आपके बेटे का कत्ल मेरे भाई के कत्ल का जवाब था। अगर मैं वो जवाब नहीं देता तो मुझे कमजोर समझा जाता और दबाव में आकर मजबूरी से या झुककर मैं समझौता नहीं कर सकता था। मैं आप लोगों के साथ ये बिजनेस करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे दिल में हमारे अपनों की मौत के जो कांटे चुभे हुए हैं उन कांटों को निकाल के हम हमेशा हमेशा के लिए फेंक दें। और यहां ना कि सिर्फ अपने हाथ मिलाएं, अपने दिल भी मिला लें। टंडे साहब, वाह 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 प्रताप, वाह, हो गया ना। आओ आओ, वसुधैवम कुटुंबकम,